कैनरा बैंक का जितना टाइप्स का सेविंग होते हैं उनके अंदर एक और टाइप्स का सेविंग है, उनका नाम आता है कैनरा बैंक स्मॉल सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। आखिर में कैनरा बैंक का कैनरा बैंक स्मॉल सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट है क्या चीज, बेनिफिट्स क्या है, फीचर्स क्या है, लिमिट क्या रहेगा, कौन कौन इस अकाउंट का हमने खोल सकते, कौन कौन आखिर में इस अकाउंट को रख सकते, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, सब कुछ मैं दिखाऊंगा। अगर आपको नहीं, अगर आपको देखना है, अगर आपको पता करना है तो वीडियो को किसी भी जगह पर स्किप ना कर। सर्वेंट सोनल रियल टेक। अगर बात करें कैनरा बैंक का कैनरा बैंक स्मॉल सेविंग्स बैंक डिपोजिट अकाउंट, तो कैनरा बैंक का कैनरा बैंक स्मॉल सेविंग्स बैंक डिपोजिट के अंदर बेनिफिट्स का अगर बात करें तो बेनिफिट्स के अंदर हर वो बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेगा जो नॉर्मली बैंक के अंदर मिलते हैं, जहाँ पे आप कैश डिपोजिट, कैश विड्रॉल, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी यूपीआई भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, निफ्टी आरटीजीएस सब कुछ जितना है सब कुछ कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग भी आप एक्सेस कर सकते हो, कोई भी चार्जेस उतना ज्यादा आपको देना नहीं है, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा, कोई कोई भी कुछ नहीं दिया जाएगा कैश डिपोजिट के लिए, कैश विड्रॉल के लिए, ऐसे कुछ जो भी लिमिट रहते हैं बैंक का लिमिट, वही लिमिट को फॉलो अगर आप करते हो। तो अगर बात करें नेक्स्ट बेनिफिट का, तो कैनरा बैंक का कैनरा बैंक स्मॉल सेविंग्स बैंक डिपोजिट अकाउंट के अंदर आपको पासबुक मिलेगा, ट्रांसफर अकाउंट फ्रॉम ब्रांचेस टू अदर ब्रांचेस, ट्रेंडिंग इंस्ट्रक्शंस जो भी है सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, यानी पासबुक अगर चाहते हो तो आप ले सकते हो, चेकबुक भी अगर आप चाहते हो तो आप ले सकते हो, लेकिन ब्रांच रिक्वेस्ट पर ही रहेगा, आपको ब्रांच पर जाकर रिक्वेस्ट देना होगा तभी आपको चेकबुक मिल सकते। कोई नॉमिनी अगर चाहते हो तो आप रख सकते हो, हालांकि ये बात अलग है कि आरबीआई का नियम जो आया है एज पर आरबीआई गाइडलाइन, अभी हर किसी को नॉमिनी ऐड करना होगा, नॉमिनी के बिना किसी का अकाउंट होगा नहीं। अगर बात करें फीचर्स का, तो अगर आप कैनरा बैंक का कैनरा बैंक स्मॉल सेविंग्स बैंक डिपिट अकाउंट को खोलते हो तो इस अकाउंट के अंदर आपको एज पर आरबीआई गाइडलाइन जो भी फुल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वही आपको देना होगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, जो जो डॉक्यूमेंट्स है उनका अंदर कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड देना होगा, फोटो देना होगा, दो कॉपी, बैंक से फॉर्म दे जाएगा, फॉर्म फिलअप करने का, जो भी नॉर्मल बैंक ओपनिंग फॉर्म जो भी रहते हैं वही सिम से डॉक्यूमेंट्स, ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट आपको देने नहीं, वही सिम से डॉक्यूमेंट आपको देना होगा जो कंपल्सरी है वही देना होगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात एलिजिबिलिटी का, मैं कौन कौन सा अकाउंट खोल सकते हो, ऑल इंडिविजुअल आप ओपन कर सकते हो, अगर आप एक एज ए इंडिविजुअल हो तो आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं, चाहे आप आपका नाम पे खोलो, चाहे आप आपका वाइफ का नाम पे, चाहे आप आपका हस्बैंड के नाम पे, कुछ भी आप खोल सकते हो, कोई भी खोल सकते हैं, कोई भी पाबंद नहीं है इस अकाउंट को खोलने के लिए। अगर बात करें डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन अंदर वही सब चीज़ जो नॉर्मली हर बैंक के अंदर रहते हैं वही सब चीज़, ज़्यादा कुछ आपको देना नहीं है, तो नॉर्मली मैं बात बता दी। अगर बात करें इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट के अंदर आपको मिलेगा 2.90% से शुरू होकर 4% तक, यानी 2.90% से लेकर 4% तक का आपको इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आपको डोमेस्टिक जो भी ट्रांजेक्शन वो भी देखने के लिए मिलेगा, और बाकी जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उस जगह से जाकर आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। अकाउंट को खोलते हो इस अकाउंट के अंदर उतना बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं, क्योंकि स्मॉल सेविंग्स अकाउंट या अकाउंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे देख सकते हो लिखा है कैनरा बैंक का कैनरा बैंक स्मॉल सेविंग्स बैंक डिपोजिट अकाउंट, जहाँ पे ज्यादा कुछ आपको देखने के लिए आपको बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा। अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो आपको दूसरा कोई भी अकाउंट खोलना है जहाँ पे मिनिमम बैलेंस रखना हो, ज्यादा से ज्यादा रखना हो। अगर बात करें दो ट्रांजेक्शन के अंदर, तो कैनरा बैंक का कैनरा बैंक सेविंग्स पावर स्मॉल सेविंग्स बैंक डिपोजिट अकाउंट। अगर बात करें टर्म्स एंड कंडीशंस का, तो कैनरा बैंक का कैनरा बैंक स्मॉल सेविंग्स बैंक डिपोजिट अकाउंट अगर आप खोले तो खोल सकते हो, इनके अंदर एग्रीगेट टू टोटल क्रेडिट फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एग्जीड मोर देन 1 लाख, यानी पूरा फाइनेंशियल ईयर पे आपको 1 लाख रुपये से ज़्यादा आपका डिपोजिट एग्जिट नहीं करना है, नहीं तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, फिर से केवाईसी कर फिर से रीओपन करना होगा, और तब आपको अपग्रेड करना भी पड़ सकते हैं, हो सकता है आपके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए जो बैंक पे जाना पड़ सकते हैं। एग्रीगेट ऑल विड्रॉल्स ट्रांसफर अमाउंट डज नॉट एग्जीड 10,000, यानी आपको इस जगह पे कहा गया है कि अगर आप कैनरा बैंक का कैनरा बैंक स्मॉल सेविंग्स बैंक डिपोजिट अकाउंट खोलते हो तो इस अकाउंट के अंदर आपको पर मंथ मैक्सिमम 10,000 रुपीज तक का विड्रॉल लिमिट दिया जाएगा, 10,000 से ज्यादा आप विड्रॉल नहीं कर सकते। अब द बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डज नॉट एग्जीड मोर देन 50,000, यानी इनका मतलब ये हुआ कि आपका अकाउंट के अंदर जो भी बैलेंस रहेगा, बैलेंस आपका अकाउंट के अंदर 50,000 यानी 50,000 उससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए, 50,000 से कम होना चाहिए। और अगर बात करें फॉरेन रिमिटेंस शैलन बी अलाउड अनलेस द आइडेंटिटी ऑफ द कस्टमर्स इज फुल्ली एस्टेब्लिश थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, यानी जो भी फॉरेन रिमिटेंस रहेगा, रिमिटेंस आपको इस अकाउंट को उतना रहता है देखने के लिए नहीं मिलेगा जब तक केवाईसी कर फुल अकाउंट को ओपन कर लेते हो, यानी नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट को ओपन कर तो ऐसे नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट आपको तो दिया जाएगा, लेकिन एज आप कैनरा बैंक स्मॉल सेविंग्स बैंक डिपोजिट अकाउंट के अंदर वो सब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बात आप सोचिए कि
हर वो अकाउंट जहाँ पे आपको सारे सुविधा मिल जाएगा, सारे कुछ मिल जाएगा। वो अकाउंट तो जीरो पे नहीं हो सकता, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकता। और जो अकाउंट आपको फ्री पे मिलेगा, जो अकाउंट आपको जीरो ऑफ कॉस्ट या फिर जीरो बैलेंस पे मिल जाएगा उस अकाउंट के अंदर, वो तो बेनिफिट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा जो नॉर्मली मिनिमम बैलेंस के अंदर मिलते हैं। कुछ इस तरह से ये भी काम करते हैं, मतलब मिनिमम बैलेंस डालने के लिए जो अकाउंट आपको दिया जाएगा उस अकाउंट के अंदर जो बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेगा, जीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर उतना बेनिफिट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। और अगर आप एक छोटा मोटा एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो, जहाँ पे आपका एक विश्वास कि आप आपका अकाउंट का 50,000 से ज़्यादा आप डाकोगे नहीं, और आप आपका कोई भी ज़्यादा विड्रॉल का कुछ जरूरत ही नहीं है, मतलब आप 10,000 अगर पूरा महीने पे आपका लिमिट है तो वही चल जाएगा, तो आप इस अकाउंट को खोल सकते हो। नहीं तो अगर आपको चाहिए 5 से 10 पूरा महीने पे नहीं, तो आप इस अकाउंट को मत खोलिए, क्योंकि इस अकाउंट के अंदर आपको पूरा महीने पे 10,000 का एटीएम विड्रॉल लिमिट मिल जाएगा। और एक बार पे या फिर एक ही अकाउंट पे आप 50,000 यानी 50,000 से ज़्यादा आप रख नहीं सकते। अगर हो जाए तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा बैंक की तरफ से, बिनांस की तरफ से। तो जो भी डिटेल्स जो भी आपने मैं इस वीडियो बताने की कोशिश कर रहा था, तो जो भी नेक्स्ट क्या बोले थोड़ा बहुत हेल्प हुआ है, अगर लाइक कमेंट शेयर करना मत भूले। चलो हम वीडियो।